गुड मॉर्निंग क्लास एलकेजी। मैंने आपको जे से जग की स्पेलिंग सिखा दी है और आज हम लिखेंगे के से इसका फॉर काइट। इस तरह से कॉपी में आपको मम्मी या डैडी मेंशन करके देंगे। काइट की स्पेलिंग लिखी हुई है के आई टी ई काइट। काइट का फिगर ड्रॉ किया है यहाँ पे और ये मैंने डॉट किए हैं। डॉट मैंने इसलिए किए हैं कि हम सीक्वेंस में लिख सके लाइन वाइज यहाँ काइट की स्पेलिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे काइट की स्पेलिंग। डेट मेंशन करना नहीं भूलेंगे, जिस डेट में हम वर्क करेंगे वो डेट लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे काइट, के आई टी ई काइट, के आई टी ई काइट। काइट मीन्स पतंग, के आई टी ई काइट। काइट मीन्स पतंग, के आई टी ई काइट। काइट मीन्स पतंग। और इसी तरह से पूरी जो ये डॉट्स बने हैं हमको यहाँ पे काइट की स्पेलिंग लिखनी है, तो हम लिख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे बोलते हुए भी लिखेंगे के आई टी ई काइट। काइट मीन्स पतंग, ताकि हमको स्पेलिंग भी लर्न हो जाए। ओके, काइट की स्पेलिंग इस तरह से हमने अपनी पूरी कॉपी में लिख ली। अब हम करेंगे काइट को कलर। मैंने यहाँ पे टू कलर्स लिए हैं, है ना, और हम यहाँ करेंगे काइट को कलर। मैं ऊपर कर रही हूँ ऑरेंज कलर काइट को। आपको जो कलर पसंद है आप वो कलर कर सकते हो काइट को, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, जो कलर आपको पसंद है आप उस कलर से काइट को कलर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं टू कलर्स की यहाँ डबल कलर में काइट को मैं कलर कर रही हूँ और डबल कलर की यहाँ पे हमारी काइट तैयार हो रही है। सुंदर सी काइट है हमारी, ये हमारी काइट रेडी हो गई, हमने कलर कर लिया। आज एक सेकंड स्पेलिंग भी मैं आपको, एक दूसरी स्पेलिंग भी साथ ही में इसके सिखा रही हूँ, तो आइए वो भी हम देख लेते हैं। के बाद आएगा एल। एल सेज लव फॉर लैम्प। एल सेज लव फॉर लैम्प भी होता है, लॉलीपॉप भी होता है ना, लालटेन भी होगा। तो हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है लैम्प का, हेडिंग डाली है हमने एल सेज लव फॉर लैम्प। मम्मी या डैडी आपकी हेल्प कर देंगे इसको मेंशन करने के लिए। लैम्प की स्पेलिंग लिखी है और इस तरह से मैंने डॉट बना दिए हैं। डॉट्स सीक्वेंस में एक दूसरे के नीचे इस तरह से बनाए हैं ताकि हम सीधे सीधे लिख सकें। आपका मन है तो एक लाइन में आप थ्री डॉट्स भी बना सकते हो, जैसे काइट लिखी थी हमने, है ना, एक लाइन में थ्री टाइम्स हमने काइट लिखा था। आप चाहो तो टू टाइम्स भी लिख सकते हो, लेकिन बोल बोल के लिखेंगे ताकि हमको लर्न हो जाए। तो अभी इसमें क्या करती हूँ कि मैं पहले लैम्प को कलर कर लेती हूँ, है ना, कलरिंग तो अच्छी लगती है ना हम लोगों को, तो हम पहले कलर कर लेते हैं। पिंक कलर लिया यहाँ मैंने, आपको जो कलर पसंद है आप उस कलर से इसको कलर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पहले पिंक कलर से ना लैम्प को कलर कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। साफ साफ राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और नीट एंड क्लीन कलर करेंगे हम। ठीक है, आपको जैसे कलर पसंद है आप वैसे कलर कर सकते हो, आपको जो कलर पसंद है आप वो कलर कर सकते हो, जैसे पसंद है वैसे कर सकते हो। प्लास्टिक क्रियॉन्स यूज़ किए हैं मैंने। प्लास्टिक क्रियॉन्स यूज़ करने से अगर कभी कलर आपका बाहर निकल जाता है फिगर के, तो आप उसको इरेज कर सकते हो। हमने पहले भी आपको बताया है कि कलर जब हम करें तो हम प्लास्टिक क्रियॉन्स ले लें। प्लास्टिक क्रियॉन्स इस तरह से लेंगे ना, तो ये कभी आपका अगर फिगर है, सपोज करिए आपने यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिया, है ना, कर दिया खराब हो गया, तो अब हम इसको इरेज कर देंगे। हमने इरेजर लिया और इरेज कर दिया। प्लास्टिक क्रियॉन से हम कभी भी, अगर मान लीजिए कोई फिगर है, हमने ड्रॉ किया और फिगर हम के बाहर कलर चला गया, तो इरेजर लेके
हम इरेज कर सकते हैं उसको, है ना। अब इस तरह से हमने इरेज कर दिया। तो अब हम लिखेंगे लैंप की स्पेलिंग। L A M P, लैंप। L A M P, लैंप। लैंप है ये, और ये हमारी लैंप की स्पेलिंग है। L हमारा ऊपर की थ्री लाइंस में आया है, रेड और टू ब्लू लाइंस ली हमने। A हमारा टू ब्लू लाइंस में है, M भी हमारा टू ब्लू लाइंस में है, और P हमारा नीचे से ये थ्री लाइंस में है, यानी ऊपर की टू ब्लू लाइंस में P का ये सर्कल है और लाइन हमारी रेड लाइन तक आएगी। हम लिखेंगे L A M P, लैंप। और इसी तरह से पूरी कॉपी में हमें लैंप की स्पेलिंग लिखनी है। ये देखिए हमने लैंप की स्पेलिंग लिख ली, बीच में मैंने नहीं लिखा है, आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। साफ सुंदर राइटिंग में लैंप की स्पेलिंग। और आज हमने सीखा काइट और लैंप, दो स्पेलिंग्स हमने सीखी हैं। कल हम फिर सीखेंगे नई स्पेलिंग्स। बाय बच्चों।